दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में जो है हम बात करने जा रहे हैं। बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे जो कि आप जैसे ही उनका यूज़ शुरू कर देंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, तो आपकी बैटरी कंजम्पशन जो है कम होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं और आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे वाईफाई का। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ऑप्शन है वाईफाई का, ये जो है अक्सर लोग करते क्या हैं कि फ्री वाईफाई ढूंढने के चक्कर में, या जिनके घरों में वाईफाई रहता है या जिनके कैंपस में वाईफाई रहता है, वहाँ पर जो है उसको अप्लाई करके रखते हैं, उसको ऑन करके रखते हैं। ऐसे में होता क्या है, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हर 5 और 10 सेकंड में जो है किसी न किसी कवरेज को सर्च कर रहा है। ये देखिए आप, अवेलेबल नेटवर्क जहाँ लिखा रहा है वहाँ पर ये सर्च कर रहा है, क्योंकि हम इससे कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं किसी भी वाईफाई डिवाइस से, फिर भी ये जो है उसको सर्च कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, जब आप ट्रैवल करते हैं, आप कहीं आते जाते हैं और आपका वाईफोन बाई डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो वाईफाई करता क्या है कि आपकी बैटरी का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको जो है नेटवर्क्स को पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर कनेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं है लेकिन आपने उसके ऑप्शन को ऑन रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही आपका वाईफाई का काम ख़त्म हो जाता है, तो आप इसको जो है यहाँ से डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसी फील्ड में एक और आता है ब्लूटूथ, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ब्लूटूथ का भी जो यूज़ है वो भी हम आपको बता देते हैं। आजकल इतने गैजेट्स डिवाइस जो होते हैं आपके ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होते हैं, आपका माइक्रोफोन हो, आपके ईयरबड्स हो, और भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं। इवन आजकल हर डिवाइस को ब्लूटूथ इनेबल्ड बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों होता क्या है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन अवेलेबल डिवाइसेस में, यहाँ भी जो है हर 5-10 सेकंड में ये सर्च करता है किसी न किसी नए डिवाइस को, और जब आप अपने काम की कनेक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे में ब्लूटूथ के ऑप्शन को भी बंद करना भूल जाते हैं, और जब आप ब्लूटूथ के ऑप्शन को ऑन रख देते हैं, तो ये भी बैटरी कंजम्पशन का एक हम कह सकते हैं कि ज़रिया बन जाता है। तो इसे भी जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप ब्लूटूथ को यहाँ से ऑन ज़रूर रखें। तीसरा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे डेटा नेटवर्क, ये जो डेटा नेटवर्क है इसकी भी वही कहानी है। डेटा नेटवर्क अब जो है जब बड़ी बड़ी बैटरीज आने लगी हैं तो हमेशा ऑन ही रखते हैं, क्योंकि नेट अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है, फ्री नेट मिलता है, और हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा डेटा होता है कि उसका यूज़ भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए डेटा नेटवर्क को हमेशा ऑन रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप कहीं जा रहे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों, किसी मीटिंग में हो, कहीं किसी काम में हो, जब फ़ोन का यूज़ आपको ना हो, तो आप डेटा नेटवर्क को जो है बंद रखिए। डेटा नेटवर्क को बंद रखने से इवन आप अगर 1 घंटे के लिए भी फ़ोन से दूर जा रहे हैं, आप अपने और काम भी कर रहे हैं, तो आप उतनी देर भी डेटा नेटवर्क को बंद रख सकते हैं, उससे भी आपकी बैटरी का कंजम्पशन बहुत हद तक बच जाएगा, और जब आपको ज़रूरत है तब आप डेटा नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो एक चौथा ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जो मिनिमाइज़ हैं, इसे हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये ओपन करके रखे हैं, ये भी जब डेटा नेटवर्क आपका ऑन रहता है तो बैकग्राउंड में ये सारा प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं, और ये भी बैटरी कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे, अभी जब मैंने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया था तो मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में 125 एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं। आप सोच सकते हैं 125 एप्लीकेशंस कितने होते हैं, और जैसे ही आप अपने डेटा नेटवर्क को ऑन करते हैं, तो डेटा नेटवर्क ऑन करते ही दोस्तों होता क्या है, ये सारे इनेबल्ड हो जाते हैं, और इनेबल्ड होने के साथ होता क्या है कि जब आप किसी एप्लीकेशन का काम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको जो है अनवांटेड नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, और इतने ज़्यादा स्क्रीन लॉक के बाद भी नोटिफिकेशन देते हैं, जिनसे जो है आपको परेशानी होती है और आपकी बैटरी कहीं ना कहीं कंज्यूम होती है। ऐसे में दोस्तों करना क्या है आपको, आपको जाना होता है अपने सेटिंग्स डिवाइस में। सेटिंग्स डिवाइस में जाने के बाद जहाँ से आप
अपने एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, वो होता है यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन में जाना होता है, ऐप मैनेजर में जाना होता है, और यहाँ जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि उसे अभी अनइंस्टॉल नहीं करना है लेकिन उसका यूज़ कुछ नहीं है, ऐसे में आप करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखते हैं हमेशा फोर्स स्टॉप का, आप उसको फोर्स स्टॉप कर सकते हैं या आप उसके इंटरनल स्टोरेज को यहाँ से बंद कर सकते हैं, ताकि जो है वो बैकग्राउंड में डेटा नेटवर्क कनेक्शन ऑन होने के बाद जो है आपकी बैटरी को और नेटवर्क को कंज्यूम ना करे। ये भी दोस्तों सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कारण होता है आपकी बैटरी को कंज्यूम करने में। तो दोस्तों ये जो हमने आपको ट्रिक्स बताई हैं, जो टिप्स बैटरी से संबंधित बताई हैं, इनको आप अप्लाई कीजिए और आप कुछ हफ्तों में ये महसूस करेंगे कि जो डेली आपकी टाइमिंग होती है बैटरी चार्ज करने की, फ़ोन चार्ज करने की, उसमें बहुत बड़ा अंतर आने वाला है और ये डेटा हम कह सकते हैं बैटरी कंजम्पशन धीरे धीरे जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।